स्वागतम, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अनु कपूर। मेहरबान दोस्तों, हम रहें न रहें, सुनहरे दौर के नगमे उस दौर की फिल्में हमेशा रहेंगी। हम रहें न रहें, हिंदुस्तान में एंटरटेनमेंट जरूर रहेगा, और जब तक एंटरटेनमेंट रहेगा तब तक इस दौर को याद किया जाता रहेगा। अनगिनत संगीत के रत्न हैं, अनगिनत सितारे हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन आज मैं आपको उस शख्सियत के बारे में बताऊंगा जिनका जन्मदिन होता है 8 सितंबर को। एक ऐसी सिंगर, गायिका, हर तरह के जिसने गाने गाए हों, रोमांटिक सॉन्ग्स हों कि डांस नंबर्स हों, कैबरे नंबर्स हों, मुजरा हो, क्लासिकली बेस गाना हो, वेस्टर्न अंग का गाना हो, हर तरह के गीतों को न सिर्फ गाया बल्कि हर तरह के गीतों में उनकी आवाज का जादू ऐसा चला कि वो पैमाना बन गई वर्सिटैलिटी का। मैं बात कर रहा हूं इंडियाज मोस्ट वर्सिटाइल फीमेल सिंगर आशा भोसले की। 8 सितंबर उनका जन्मदिन है और हम बिग एफएम की तरफ से और सुहाना सफर की तरफ से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए समर्पित करते हैं आज का हमारा ये शो उनके जीवन और जीवन की उपलब्धियों से जुड़ी घटनाओं के साथ। तो करते हैं आगाज आशा जी का जन्मदिन मनाते हुए। आशा भोसले जी का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक छोटे से गाँव में, गौर जिसका नाम था, वहां संगीत परिवार, कलाकारों के परिवार में हुआ था। पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच के कलाकार और क्लासिकल सिंगर। 9 साल की उम्र में ही पिता के दुखद निधन के बाद परिवार आया पुणे, वहां से कोल्हापुर और फिर मुंबई आकर बस गया। आशा जी के भाई बहनों में उनके अलावा 3 बहनें, लता, उषा, मीना और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। परिवार जब पिता के निधन के बाद कोल्हापुर आकर बस गया, कोल्हापुर में बिताए 1942-43 के दिनों को याद कर वो बताती हैं कि कैसे वो इंग्लिश फिल्म देखने की बहुत शौकीन थीं। एक दिन उन्होंने फेमस ब्राजीलियन एक्ट्रेस, सिंगर और डांसर कारमेन मिरांडा की एक फिल्म देखी और घर आकर एक कपड़ा उठाया और कपड़े को अपने आगे लगा के उसी की तरह डांस करने लगी और उसी की तरह गाना गाने लगी, जैसे उन्होंने फिल्म के अंदर कारमेन मिरांडा को करते हुए देखा था। मां ने चुप कराने की कोशिश की, डांटा भी, ये सब क्या है, क्योंकि मंगेशकर परिवार शास्त्रीय संगीत के गायकों का परिवार था। माने का माई मंगेशकर ने, तू ये क्या कर रही है, ये अंग्रेजों के गाने गा रही है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। तो वेस्टर्न संगीत का शौक आशा जी को बचपन से हो गया था, मगर इन्हें गाना गाने का मौका काफी बाद में मिला। आशा जी ने पहला फिल्मी गाना 1943 में एक मराठी फिल्म के लिए गाया जिसका नाम था माझा बाळ। गाने के बोल थे, चला चला नवबाड़ा। संगीत दिया था दत्ताजी दावजेकर ने। पहला हिंदी फिल्म का गाना जिसमें वो सिंगर्स के साथ गा रही थी, मतलब कोरस के अंदर गा रही थी, और भी सिंगर्स थे, वो गाना था 1948 में आई फिल्म चुनरिया से। गीत के बोल थे, सावन आया रे सखी जागे मोरे भाग। फिल्म का संगीत दिया था हंसराज बहल ने, लेकिन सोलो गाना अभी तक मिला नहीं था। उन दिनों बड़ी फिल्मों में गीता रॉय, जो शादी के बाद गीता दत्त जिन्हें बुलाया जाने लगा, वो बहुत बड़ी गायिका थी, शमशाद बेगम का बहुत नाम था, और लता जी को अभी अभी गाने मिलने शुरू हुए थे। ऐसे ही दौर में एक फिल्म मिल गई, फिल्म का नाम था रात की रानी, 1949 की फिल्म है। संगीत था हंसराज बहल जी का,
और इन्हीं के संगीत निर्देशन में आशा ताई को, आशा भोसले जी को, उनके जीवन का पहला सोलो सॉन्ग गाने का मौका मिला। उस गीत की थोड़ी सी झलक आपको सुनवाने जा रहा हूं। शुरुआत हुई एज ए सोलो सिंगर आशा जी के प्रोफेशनल करियर की, लेकिन इसके बाद जो गीत मिलने लगे वो थे जो दूसरी बड़ी गायिकाएं रिफ्यूज कर दिया करती थी, और गीत ऐसे मिले कि ज्यादातर बी ग्रेट फिल्मों की वैम्प पर जो पिक्चराइज गीत हुआ करते थे, धीरे धीरे कैबरे सॉन्ग्स, और इस तरह के गीतों को गाने की वजह से आशा जी की ऐसी छवि बन गई कि कोई सिंगर, आप ताज्जुब करेंगे, इतनी ग्रेट आर्टिस्ट के साथ डुएट गाने को तैयार नहीं होता था। उनके साथ पहला डुएट गीत गाया किशोर कुमार ने 1950 की फिल्म मुकद्दर में। गाने के बोल थे, आती है याद हमको जनवरी फरवरी, पहली पहली मुलाकात हुई मेरी तुम्हारी। ये फर्स्ट डुएट सॉन्ग था, और यहां से ही आशा जी के सिंगिंग करियर ने थोड़ी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। सोलो गीतों के साथ साथ डुएट सॉन्ग भी मिलने लगे, लेकिन अभी तो इस सफर में न जाने किन किन मुकामों से गुजरना था, किन किन ऊंचाइयों को छूना था। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।